हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है जीकेएस कार ब्लॉग में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हुंडई एक्स्टर गाड़ी जो आपके सामने है, खन्ना हुंडई अकबरपुर कानपुर देहात में। इंक्वायरी के लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कांटेक्ट करके यहां से डिटेल्स ले सकते हैं और यहां के आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। तो गाड़ी आज हम लोग देखेंगे, इसमें टोटल आपको चार वेरियंट मिल जाएंगे, ES, SX और SX ऑप्शनल आपको वेरियंट मिलते हैं। हमारे पास जो है ये CNG वेरियंट है, SX CNG वेरियंट। CNG में आपको केवल दो वेरियंट मिल जाएंगे, S और SX CNG। तो ये गाड़ी आज हम लोग देखेंगे, इसका जो ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा 10,15,000 रुपए मिल जाएगा यहाँ पे खन्ना हुंडई अकबरपुर कानपुर देहात में। तो आज हम लोग गाड़ी का फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर व्यू देखिए, ये जो मस्कुलर डिजायर एक्स्टर में माइक्रो SUV में दिया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये कलर जो है एक यूनिक कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है गाड़ी का। सबसे पहले आता है गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हुंडई का सिल्वर फिनिश में लोगो मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं तो एक्स्टर लिखा हुआ मिल जाता है सिल्वर फिनिश में, जो कि नया लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस SUV सेगमेंट में। और जो ग्रिल आती है वो आप देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको मिलती है, जिसे आप लोग पियानो ब्लैक फिनिश कह सकते हैं। और सबसे अच्छा जो लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसके यहाँ पे जो आते हैं ये DRL, तो LED में DRLs आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर का लुक मिलेगा। और ये आता है आपका प्रोजेक्टर में हेडलैम्प, तो हेडलैम्प देख सकते हैं, प्रोजेक्टर का यूनिट जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये आता है फ्रंट में बम्पर, जो कि आपको ब्लैक फिनिश मिलेगा। और यहाँ पर ये ग्रे फिनिश का व्यू आपको मिल जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है 190 mm का गाड़ी में। तो ये पूरा व्यू आपको फ्रंट व्यू देखने को मिल जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं गाड़ी का एक्सटीरियर व्यू कैसा आता है, पूरा लुक दिखाएंगे, साइड प्रोफाइल दिखाएंगे वो कैसा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ से आपको दिखाएंगे साइड में गाड़ी का व्यू, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाते हैं ये ORVM है, और ये आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में, जो कि लुक आपको अच्छा मिलता है। और ये आपको ऑटो फोल्ड फीचर के साथ में मिलेंगे। यहाँ पर आते हैं साइड में, तो ये आपको आपको मिल जाते हैं व्हील्स हैं, तो व्हील का लुक आप लोग देख सकते हैं ये मिलता है। ये आपको यहाँ पर मिलेगा व्हील कवर है, जो कि ग्रे फिनिश और सिल्वर फिनिश में मिलता है। और यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलते हैं डिस्क ब्रेक, और रियर में आपको मिल जाएंगे ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर गाड़ी में देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसका व्हील साइज हम लोग देखते हैं। तो व्हील साइज जो है आपको यहाँ पर 15 inches के व्हील्स मिल जाएंगे, नॉर्मल व्हील्स होंगे इसमें आपको मिलता है। व्हील का कवर आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं साइड व्यू, जो कि मस्कुलर डिजाइन आपको यहाँ पर साइड में मिलेगा। और ये देख सकते हैं डोर हैंडल, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बॉडी कलर में, आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स मिलते हैं। और ये व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो क्लैडिंग है ब्लैक फिनिश में वो आपको यहाँ पर डोर्स में भी देखने को मिल जाती है। और जो आपका रनिंग बोर्ड है इसमें भी आपको फाइबर का वर्क है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये प्यारा सा डिजाइन जो है, और यहाँ पे डायमंड का डिजाइन है वो आपको यहाँ पर इस जगह ये पूरा इतना देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और यहाँ देखते हैं अपर साइड में, तो इस जगह आपको देखिए ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ये आपको रूफ रेल मिल जाती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा व्यू देती है गाड़ी में। और आपको यहाँ एक मिले जाएगा सनरूफ, तो सनरूफ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं साइड में, तो इस जगह आपको मिल जाता है फ्यूल लीड है, जो कि आपका इसमें स्क्वायर शेप में आपको शेप मिलेगा। और थोड़ा सा टिल्ट लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसमें जो कैपेसिटी होगी 60 liter की कैपेसिटी होती है CNG की। और अब आपको दिखाते हैं रियर प्रोफाइल गाड़ी का, तो लोग देखेंगे रियर प्रोफाइल गाड़ी का, तो ये आता है मस्कुलर सा डिजाइन, बैक में आपको लुक मिल जाता है। और ये आते हैं टेल लैंप आपको मिल जाते हैं रेड कलर में ब्लिंक करते हुए। यहाँ पर आपको मिलेगा टर्न इंडिकेटर का बल्ब है, और एक आपको रिवर्स पार्किंग लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। और जो रियर प्रोफाइल देखते हैं पूरा आप लोग देखें यहाँ पर, तो इस जगह देखते हैं बैक व्यू ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको गाड़ी में जो बैक में मिलेगा ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा। और ये हुंडई का सिल्वर फिनिश में लोगो मिलता है बैक में। डिफॉगर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, CNG का स्टिकर मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लाइट आपको मिलती है ग्लॉसी ब्लैक में। आपको सार्किट में रेडियो एंटीना मिल जाता है, तो ग्लॉसी ब्लैक का जो वर्क किया गया वो बहुत प्यारा सा यहाँ पे आ रहा है। और सबसे पहले कुछ फीचर्स हम लोग यहाँ पे जानेंगे गाड़ी के। तो यहाँ पर गाड़ी में आपको देखिए मिल जाता है 1.2 liter का इंजन मिलेगा, जिसमें आपको माइलेज है 27 km/kg का आपको मिल जाता है गाड़ी में। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और अगर पावर की बात करें तो 67 BHP की पावर है, और आपका 95 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोफाइल देखते हैं। यहाँ पर आपको बैक में देखिए मिलेगा SX की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, और रिवर्स पार्किंग जो सेंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं दो, एक ये मिलेगा और यहाँ मिलता है। बैक में इस जगह देखते हैं तो ये आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स हैं, ये आपको ग्रे फिनिश यहाँ पर मिल जाता है, शाइनिंग में ये आपको वर्क मिलेगा। और ये पूरा लुक आता है यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का यहाँ पर। और बैक में यहाँ पर देखते हैं तो इस जगह से आप लोग अगर बूट ओपन करेंगे तो ये आता है इसका बूट का व्यू आपको यहाँ पर मिलेगा बैक में। और इस जगह देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाता है ग्रैब हैंडल है, और ये यहाँ पर आपको मिलती है पार्सल ट्रे, जो कि काफी बड़ी सी मिलती है। स्पेस अच्छा खासा है, हाइट बहुत अच्छी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गाड़ी की,
इस एसयूवी की। और ये आता है आपका सीएनजी टैंक, यहाँ पर फुली कवर्ड रहता है। छोटे छोटे कैरी बैग हैं वो आप लोग यहाँ पर इजिली रख सकते हैं। बाकी जो इंटीरियर है वो अभी हम लोग चल के देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इसको करते हैं अभी हम लोग क्लोज। और जो यहाँ पर साइड में देखेंगे तो ये ग्लॉसी ब्लैक जो है यहाँ पर आपको मिलता है, इस जगह भी आपको ये पूरा देखने को मिलता है। ये आपको डिजाइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साइड में। और ये जाता है बैक का व्यू है, ये पूरा लुक मिल जाता है। और ये आती है गाड़ी यहाँ पर, तो ये देखेंगे साइड प्रोफाइल गाड़ी का। और अब हम लोग देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले गाड़ी का ये जो डोर है, कंप्लीट ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसका प्रोफाइल जो देखते हैं ये है ब्लैक फिनिश पूरा। यहाँ पर आपको ये जो आपको मिलता है ग्रे फिनिश शाइनिंग में अनलॉक का बटन मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, चारों पावर विंडोज आपको मिल जाती है। मिरर लॉक का बटन आपको मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन है, ये ऑटो फोल्ड का बटन मिल जाता है, ओआरवीएम का इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको ओआरवीएम मिलते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल स्टोरेज, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज है वो आपको देखने को मिल जाता है साइड में। ये आपको स्पीकर है। और जो इंटीरियर का व्यू है तो वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये आपको गाड़ी में मिलता है। इस जगह ये जो डिज़ाइन आपको मिलता है थोड़ा सा आईटेन से मिलता जुलता आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चल, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं इस एसयूवी सेगमेंट में, और सीधे कंपटीशन आपको टाटा पंच से होगा। और यहाँ पर देखते हैं तो ये आएगा सीट का व्यू, सीट का प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। ये आपको यहाँ पर फैब्रिक मिल जाता है जो कि आपको सॉफ्ट में मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्लोथ कवर का ये आपको यहाँ पर लेदर फिनिश मिल जाता है। और सीट में देखेंगे तो आपको दोनों एडजस्टमेंट है, ये इंक्लाइनेशन का एडजस्टमेंट है जो आपको हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीट फोल्डिंग का बटन है, यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्यूल लीड ओपनिंग का बटन। और अब देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर का व्यू कैसा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के देखते हैं सबसे पहले कैसा आपको यहाँ पर मिलता है लुक इंटीरियर में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आएगी स्टेयरिंग आपकी, ये आपको मिलेगी ब्लैक फिनिश में। और आपका ग्रे कलर यहाँ पे आपको लग सकता है देखने में, एक्चुअली ये यहाँ पर ग्रे कलर भी है आपका डार्क फिनिश में, यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश मिलेगा। और ये आते हैं यहाँ पे वॉइस कमांड है, वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे कॉल कनेक्ट का बटन आपको मिल जाता है, फेवरेट का बटन है, मोड का है, और हुंडई का सिल्वर फिनिश में लोगो है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ये एमआईडी है इसके रीसेट की जो बटन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सामने, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और टायर प्रेशर, टीपीएमएस वगैरह फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और इस जगह आता है ओके का बटन आपको मिलेगा। यहाँ पर कीज आपको दिखाएंगे तो ये आपको मिल जाती है लॉक अनलॉक, और ये बूट ओपनिंग का बटन आपको यहाँ पर मिलता है, एक मैनुअल की भी मिलती है। इस वेरियंट में आपको यहाँ पर मैनुअल जो की इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और इस जगह देखते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी मिलेगा और फ्यूल चेंज का ऑप्शन भी आपको मिलता है, लाइट्स का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये है, और यहाँ पर देखेंगे ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का व्यू है। तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इनका भी ब्राइटनेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और डिजिटल में सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर देखें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको स्पीड मिलती है और राइट साइड में आपको आरपीएम यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी में। तो ये है, और यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल हैं, लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिलते हैं। और ये जो स्टीयरिंग कॉलम है वो आपको मिलेगा, टिल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस माइक्रो एसयूवी में आप देख पाएंगे कि सारे फीचर्स आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिए गए हैं गाड़ी में। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 8 इंच का टच स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट साइड में रेडियो बटन है, मीडिया फेवरेट का बटन है, सीट ट्रैक सेटअप आपको मिल जाता है। और ये आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पर आपको मिलेगा इसका वर्क। और ये देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल है, यहाँ पर एंटर का बटन मिलता है, और ये दो एसी वेंट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट की बटन मिलेगी, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एसी का जो आपका व्यू है, फैन मूव कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एसी ब्लोअर ऑन का यहाँ पे नॉब आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये बटन्स मिल जाते हैं, रियर फ्रंट ऑफ का बटन है, जो एसी फ्लो आपको मिलता है। यहाँ पर आपको टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट एक मिलेगा लेफ्ट साइड में, 12V 120W का सॉकेट है, और यूएसबी पॉइंट आपको एक मिलता है। यहाँ पर मोबाइल का स्टोरेज है, और 5 गियर बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और एक आपको ये जो लुक दिखाते हैं गाड़ी में, एक आपको यहाँ पर मिलता है रियर पार्किंग का कैमरा भी है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो सारे फीचर्स आपको गाड़ी में देखिए यहाँ पर मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो फीचर हैं वो भी आपको नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में पूरे। और ये आएगा, ये जो वर्क आता है ये आपको यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश में ये मिल जाता है। यहाँ पर आपको टेक्चर्ड में लुक मिलेगा जब आप लोग इस तरीके से देखेंगे। और यहाँ पर ये आएगा स्पोर्टी व्यू आता है। ग्लव बॉक्स हम लोग देखते हैं तो ये है बड़ा सा ग्लव बॉक्स है, कूल फीचर के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और गाड़ी की अगर बात करते हैं सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग गाड़ी में यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि हुंडई में अब सेफ्टी का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, वो चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो दो आपको यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ पर ये आपको स्टोरेज है, हैंडब्रेक आपको मिल जाता है ये ब्लैक फिनिश बटन के साथ में, और यहाँ पर ये आएगा पूरा प्रोफाइल यहाँ पर मिल जाता है।
और अपर साइड में देखते हैं गाड़ी में, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक ये सन वाइजर है विद टिकट होल्डर आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको सन वाइजर मिल जाएगा एक वेंटी मिरर के साथ में, और सन वाइजर का व्यू जो है यहाँ पे काफी बड़े से सन वाइजर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे गाड़ी में। यहाँ पर आपको देखिए लैंप लाइट है, ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलती है ये आपको, और यहाँ पर मिलती है एक सनरूफ, तो ये आप लोग देख सकते हैं सनरूफ का व्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। माइक्रोफोन का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर देखते हैं सनरूफ का व्यू देखेंगे तो ये बटन आपको मिलती है, यहाँ से आप लोग टच करेंगे तो आपकी सनरूफ है वन टच में ही आपकी सनरूफ ओपन हो जाएगी, और ये देख सकते हैं एक बार और टच करेंगे तो और ओपन हो जाती है, डबल टच में आपकी फुली ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्लोज करना चाहें तो वन टच कर देंगे तो आपका जो सनरूफ है आपका क्लोज हो जाएगा, मून रूफ का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं तो ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं शॉर्ट फोल्डिंग के साथ में, यहाँ पर मिल जाएंगे लेफ्ट साइड में। पूरा प्रोफाइल है गाड़ी का आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, जो इस माइक्रो एसयूवी आई है मार्केट में इसमें बहुत ज्यादा अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है। और ये आपको यहाँ पर देखिए मिल जाते हैं एसी के वेंट्स है, जो कि आपको थोड़ा सा आईटेन जैसे लुक में आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्क है साइड में ये अच्छा खासा यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर व्यू देख सकते हैं तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है गाड़ी का। अब गाड़ी में देखते हैं बैक में बैठ के वहां का व्यू कैसा आपको देखने को मिल रहा है, तो वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेंगे चल के बैक वाली सीट में, तो वो कैसा वहाँ पे व्यू आता है यहाँ से। तो बैक वाली सीट का आप लोग स्पेस देखते हैं सबसे पहले कैसा आता है, तो ये है यहाँ पर, और बैक में देखेंगे तो ये आता है आपका ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्लैक बैक का डोर, और यहाँ पर ग्रे फिनिश शाइनिंग का वर्क आपको मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, मिरर कंट्रोल है, बॉटल स्टोरेज आपको यहाँ पर मिलेगा, और ये आपको स्पीकर है, तो चार स्पीकर गाड़ी मिलते हैं और स्पेस भी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। ये आता है साइड प्रोफाइल है, और यहाँ पर आपको देखते हैं ये तो सीट देखिए यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच में मिलेंगी, ये आपको मिल जाती हैं, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है तो दोनों बैक में मिलेंगे। आपने जैसा कि वहाँ पे देखा है सेडान में कि आगे फिक्स्ड में मिलते हैं बैक में आपको एडजस्टेबल, तो यहाँ पर आगे वाली सीट्स में फिक्स्ड में मिलेंगे, बैक में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, स्पेस आपको अच्छा खासा है, तो मुझे तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, स्पेसियस गाड़ी। यहाँ पर देखिए तो लेग रूम आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है गाड़ी में, यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है गाड़ी का, बहुत अच्छा सा लेग रूम है, थाई सपोर्ट अच्छा है, और यहाँ पर बैठने के बाद देखते हैं तो ये आपको लुक यहाँ पर मिल जाता है पूरा कंप्लीट, अच्छा सा लुक जो है यहाँ पर, फीलिंग आपको पूरी अच्छी खासी मिलने वाली है गाड़ी में। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट का व्यू है, यहाँ पर लैंप लाइट एक बैक में भी आपको देखने को मिलती है, तो दो आगे भी मिलेंगी और एक यहाँ पर मिड में मिल जाती है। ये आपको ग्रैब हैंडल शॉर्ट फोल्डिंग के साथ में यहाँ पर बैक में भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाड़ी आपको कैसी लगती है यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा व्यू, हाँ हमें तो बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी पूरा आपको मिल जाता है गाड़ी में, फीचर्स भी आपको पूरे मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो लुक है वो भी आपको अच्छा खासा गाड़ी का मिल जाता है। तो ये गाड़ी का व्यू आप लोग देखिए, आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा तगड़ा सा व्यू आपको जो मिल रहा है इस न्यू हुंडई एक्सटर में, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देखिए गाड़ी का प्रोफाइल, और ये है एक्सटीरियर व्यू आपके सामने है। आपको कैसी लगती है गाड़ी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, इसी तरीके के नए नए कार वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।